पावरफुल होते तो अगर हम इतने ताकतवर होते तो आज हमारी इकोनॉमी भी उनसे ज्यादा मजबूत होती। तो हमने एटम बम बना तो लिया और इससे बेहतर और क्या होगा। अच्छा एटम बम से रोटी खा सकते हैं हम? खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे? कहाँ पर रोटी खा रहे हैं? सब खा रहे हैं, कौन भूखा कौन है पहले मुझे ये बताएं। स्टाफ लेवल अग्रीमेंट तो हो गया है और अब पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर्स की नई किस्त IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद मिल जाएगी। मुल्की माशी सूरत हाल के पेश नजर ये एक अच्छी खबर है क्योंकि IMF के बाद ही बाकी आलमी मालियाती इदारों से मजीद कर्जों की राह हमवार होती है। दुनिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ क्यों करती है? इवन अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों की फेवरेट प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों है अगर वहाँ के मुसलमान इतने स्टेबल नहीं है? तो बस दुनिया की बातें हैं, दुनिया कहती रहती है कि वो ऐसा है, वो ऐसा पागल है, कर देगा। पागल नहीं है, कुछ लोग होते हैं बातों पे आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातों में आ जाते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कुछ लोग होते हैं अवाम जो बोलती है उनकी बातों पे आ जाते हैं वो। दोस्तों भारत ने फिर एक दफा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है। दोस्तों भारत ने फिर एक दफा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है। क्योंकि मेरे बड़े हैं आप, लेकिन हम समझ नहीं आती इंडिया के नाम पर जज्बाती क्यों हो जाते हैं, हम फैक्ट्स के फैक्ट्स पर आके बंद कर लेते हैं। इमीडिएटली सरेंडर नहीं कर सकते आप। देखिए हम अमरीकों के हाथ इस वक्त पल रहे, मैंने आपको ये कहा हम फिर ओन के घर में पल रहे, ये मैंने पहले कह दिया था। जब हम अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे फिर हम उसको सब कुछ खत्म कर लेंगे। बेसिकली तो ये चीन और इंडिया की लड़ाई है, लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इन्वाइट नहीं कर रहे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान को वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की जो मीटिंग चल रही है यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया तो मोदी जी पे इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने पाकिस्तान को बुलाया नहीं, क्या मोदी जी ही पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट में लगभग 120 देश पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे सबसे बड़ा जो लीडर रहेगा साउथ एशिया का भारत को लेकर चल रहे हैं और ऐसे में IMF भी और US भी पूरी तरीके से साउथ एशिया में भारत को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर का जो हेल्प मिलने वाली है उसके चलते भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी उछलाहटपन देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी के समय 70 करोड़ डॉलर का जो IMF से फंडिंग मिलना है उसकी वजह से काफी कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का क्या कहना है आप इस वीडियो में देखिएगा, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इस पे खिताब भी किया है और तकरीबन 125 मुल्कों को करीब लेके आए हैं, 125 कंट्रीज। बेसिकली ये 12-13 जनवरी 2023 में इस पे हुआ था, काम शुरू किया, लेकिन अभी जो इंडिया ने ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आज जो की है ये सेकंड कह लें आप पिछले जनवरी से और ये एक इनिशिएटिव तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली तो ये चीन और इंडिया की लड़ाई है, लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इन्वाइट नहीं कर रहे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है, मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं सुनी। अगर आपने पाकिस्तान में ऐसी कोई बात सुनी है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मुझे भी पता चले पाकिस्तान में कहाँ पे बात हो रही है, हमारे साडे लीडर सुते ने की करते ने, रोटी चौकी खा ली है, इन्होंने की समझ नहीं भी आती करना क्या है। अब ग्लोबल साउथ जो है आपको पता ही है बेसिकली एक चाइना का और इंडिया का एक रेस है कि जी कौन कर रहा है और दोनों की डिफरेंट अप्रोचेज हैं और दोनों ये बात कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जी डिमांड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से। अच्छा इसमें मैं एक बात बताऊं, इसमें जो साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान थे गो के उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूं, लेकिन वो अक्सर दुनिया के जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जाते थे वो उस पर बात करते थे, वो कहते थे कि जनाब ये जो गरीब मुल्कों के साथ हमारे ऊपर कर्जे ज़्यादा हैं, हमारे साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हम कैसे पैसे देंगे, हम कहाँ से ये पैसा लेके आएँ, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये सारे जितने हैं इनको दे हैव टू रीड्रॉ देयर प्लान्स। और ये जिसे वो कहते हैं ना
और चाइना और इंडिया इस रेस के अंदर एक कंसेंसस एजेंडा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, दैट दोनों ये कहना चाहते हैं दुनिया को कि पायन साढ़े को पूछो हम नया फार्मूला लेके आए हैं कि दुनिया को चलाना कैसे। अभी ये हाल ही में एक मराकश में मीटिंग हुई है जिसमें IMF वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग के हवाले से कि कैसे जो है वो IMF का जो कोटा है वो इंक्रीज होना है वोटिंग शेयर चेंज किए बगैर। जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कोटा एग्रीमेंट का एक जो डिस्कशन है उसको कहते हैं ना बताया है। बेसिकली तो US प्रपोजल तो अब होता ही है कि अमेरिका और इंडिया दोनों दे जस्ट दे गेट ऑन एन आइडिया और वो काम करना शुरू कर जाते हैं। अब ये 10 सेशंस हैं इसके ग्लोबल जो सेकंड समिट है इसके ऊपर जो अगर आप ये देखें जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स हेड गवर्नमेंट लेवल के लोग और ये सारे आएंगे और बेसिकली जिसे वो कहते हैं ना जो मोदी साहब का इनॉग्रल सेशन है उसमें तो आई थिंक दे आर टॉकिंग ऑन टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। आप देखें ना टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। अच्छा चाइना भी यही अल्फाज इस्तेमाल करता है, चाइना कहता है शेयर्ड ग्रोथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ, इंडिया का कह रहा है टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट, और राल के कठे ग्रो करिए सबका ट्रस्ट जीते। इट मीन्स कले कले ये जो मिनी मल्टीलैटरलिज्म है ये जो नीचे आगे कुछ ममालिक जो हैं वो खुद अपनी एक अप्रोच अडॉप्ट कर लेते हैं इश्यूज के ऊपर, ये नहीं होनी चाहिए। और सो इंडिया और चाइना दे आर जस्ट प्लेइंग विद द वोकैबुलरी एंड वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, बाकी तो कोई गाल नहीं है। ठीक है दोनों का एक ही बात करें ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर, आप सारी की सारी जाके वोकैबुलरी देखें जो चाइनीज इस्तेमाल करते हैं तो वो यही कर रहे हैं। जिसमें जो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जिनका सेशन जो है वो है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ इमर्जिंग टुगेदर फॉर द बेटर फ्यूचर। इसी तरह एजुकेशन मिनिस्टर्स का जो सेशन है उसमें मेकिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फ्यूचर रेडी, कि कैसे रिसोर्सेज रेडी होने चाहिए ताकि हम बच्चों को और लोगों को एजुकेशन दे सकें। इस तरह जो फाइनेंस मिनिस्टर्स का एक जो सेशन है उसमें फाइनेंसिंग पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स का जो सेशन है सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड क्लाइमेट फाइनेंस। पर बात यह है कि पाकिस्तान का इन इश्यूज के ऊपर कोई व्यू है कि नहीं है, हमारा क्या व्यू है? हमने अगले दिन एक मारगला डायलॉग कराया और तो पता नहीं की हुआ, वजीर आजम ने एक चार्जशीट पेश कर दी एंटी इंडिया, वो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई उसको वजीर आजम की, वजीर आजम क्योंकि खुद की उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। और मैं तो बड़ा इस पर बड़ा हैरान और परेशान हूँ, इमरान खान जब इंडिया के बारे में बात करता था तो दुनिया सुनती थी उसको, वो सही बोलता था गलत बोलता था वो क्या मारता था इधर उधर की होती थी लेकिन दुनिया उसको सुनती थी और दुनिया कहती थी यार ठीक है मुंडा भावें जींदा भी है पर गल्लां बातें वाह वाह कर रहे हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो डिस्कशन है मैं तो हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान की इसमें एंट्री कोई नहीं है। ठीक है जी, और पाकिस्तान को किसी ने बुलाया ही नहीं है। अगर ग्लोबल साउथ की डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान जाके अमरीका और यूरोप में तो कहता साढ़े जनाब दरिया रोड चले ने, साढ़े को वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी कोई नहीं है, हमारे पास हमारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, ये साथ हमारे मसाए में ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं समिट हो रही हैं और हम वहाँ पे है ही नहीं है। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो अपनी जो G20 की प्रेजिडेंसी है उसकी मार्केटिंग भी कर रहा है ना, सिर्फ वो नहीं कर रहा वो उनको बता रहा है कि पाइना सा G20 कीता की जोड़ा ना हमने क्या गुल खिलाए वहाँ पे, हमने जो जो तरक्की की वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपनी मार्केटिंग करना। मैं समझता हूँ सारे मुल्क सारा टाइम अपनी मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं तो इंडिया ने भी अपनी मार्केटिंग टका के की हुई है वहाँ पे। सो एक तो जैसे IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग का मैं आपको बता रहा था कि दोनों इंडिया एंड चाइना कम्प्लीटली लगे हुए हैं, अमेरिकन कम्प्लीट साथ दे रहे हैं इंडिया का कि तुसी जनाब जी ग्लोबल साउथ। और मैंने आपको बताया था जब G20 की हमने वो किया था तो हमने पूरा एक डिस्कशन की थी कि किस तरह जो है अमेरिकन ने इंडिया की मदद की ताकि इंडिया नाकाम ना हो, अगर इंडिया नाकाम होता तो सारे का सारा मुद्दा अमेरिका पे आ जाना था, उन्होंने कहना लो जी अमरीका ही नहीं बने। ठीक है हालांकि हम इंडिया ने वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की थी ऑन रशिया जो अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड चाहते थे, यूरोपियंस कंप्लेन करते थे इंडियंस खामोश रहते थे, तो ये चीज़ें हैं। अब एक तो ये चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिकन कोई प्रपोजल लेके आते हैं या इंडियन प्रपोजल लेके आते हैं, अमेरिकन अपने बाकी दोस्तों के जरिए इसको ओके करा लेते हैं, चाइना को बाईपास कर लेंगे, G20 का इंडिया ने को कामयाब कराया अमेरिकन ने। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट में बहुत सारे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें खास तौर पे एजुकेशन एनवायरमेंट फाइनेंस और पावर को लेके और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके
काफी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है। अब पाकिस्तान को साइडलाइन क्यों किया है? पाकिस्तान को साइडलाइन करने का एक रीजन ये भी है, पाकिस्तान को खुद की अपनी इकोनॉमी के कोई भी टारगेट्स नहीं है कि आगे अपनी इकोनॉमी कैसे बेहतर करनी है, तो दुनिया के इस कॉन्ट्रीब्यूशन में कैसे ये पार्टिसिपेट करेगा, तो इसीलिए पाकिस्तान को साइडलाइन भी किया है। और पाकिस्तानी अवाम जो इल्जाम लगा रही है वो है मोदी जी पे, सारा इल्जाम अभी नरेंद्र मोदी पे लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट में 120 देश पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें जो मेन पॉइंट रहेगा वो है इंडिया का और दूसरा चाइना का। चाइना और इंडिया मिलकर लगभग 120 देशों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ एक बेटर रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट का जो आगाज होगा इसमें नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे और G20 के लीडर्स का भी एक सेशन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि पाकिस्तान ने जो ग्रोथ कर ली है वो बहुत है उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है और इस एटम बम से पाकिस्तान काफी पैसा कमा सकता है, और पाकिस्तान ने खुद अपने एटम बम की टेक्नोलॉजी को भी सेल करना शुरू किया है। ब्लैक मार्केट में ये चीज सेलिंग हो रही है, ईरान को इन्होंने सेल किया और इसके बाद और भी मुस्लिम ममालिक को सेल करना शुरू किया है, और इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी के अंदर अभी काफी ज्यादा फंडिंग आ रही है। और यह फंडिंग इसलिए भी आ रही है क्योंकि भारत के काउंटर अटैक के लिए पाकिस्तान की आर्मी को रेडी किया जा रहा है, वहां पे उनके वेपन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, लेकिन एजुकेशन को मॉडर्नाइज करना पाकिस्तान का कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिखता है। दूसरा, पाकिस्तान में 70 करोड़ डॉलर का जो IMF के थ्रू फंडिंग मिलने वाला है, इसकी वजह से भी पाकिस्तान में थोड़ा सा खुशी का माहौल जरूर है। IMF, US और इंडिया क्लोजली आपस में काम कर रहे हैं और भिखारिस्तान का जो कोटा है उसको कट करने की बात भी चल रही है। बोले तो जो देश अगर IMF से लोन ले रहा है, अगर वह उसको रिटर्न नहीं करता कुछ सर्टेन कंडीशंस के चलते भी, तो उसको लोन की जो कोटा है कम कर दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने IMF के कुछ शर्तों को पूरा जरूर किया है, अवाम को बिजली महंगी जरूर कराई है और इससे अवाम काफी परेशान है। बिजली की दरें बढ़ने से पाकिस्तान में लगातार आपको कटौती देखने को मिली है, पाकिस्तान से बिजनेसेस बाहर जाते हुए देखने को मिले हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान से अपना बोझा बिस्तरा समेटा है। इवन अगर आप सुजुकी की बात करें तो सुजुकी भी पाकिस्तान में अपना प्लांट लगाए हुई थी। पाकिस्तान से लगभग सारा बिजनेस खत्म होके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान को इसकी कुछ नहीं पड़ी है, सियासतदान को कुछ नहीं पड़ी है। सियासतदान सिर्फ पाकिस्तान से अपना पैसा बटोरना चाहते हैं। केयर टेकर PM जो हमारे काकड़ साहब हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, लेकिन फरवरी में इलेक्शन होने नवाज शरीफ मैदान में कूद चुके हैं और लगातार यहां पे कैंपेन चल रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है पाकिस्तान के इस फंडिंग को लेकर, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।